राजधानी व्यू, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज, राजधानी व्यू। सिबनी मालवा कथावाचिका अनन्या शर्मा के जन्मदिन में हुए कीर्तन में श्रद्धालु झूमे, नाचे व गाए। शहर में पहली बार जन्मदिन के अवसर पर भव्य कीर्तन और साधु संतों को किया गया स्वागत। आयोजक अतुल शर्मा, श्रीमती रेखा शर्मा द्वारा भजन संध्या हंसराज मैरिज गार्डन में रखी गई थी, जिसमें भजन गायक दिल्ली के उज्जवल सिंह, नागपुर से कृष्ण प्रिया केसला, गुलाबगढ़ से सिद्ध तिवारी ने कीर्तन की प्रस्तुति दी। कथावाचिका राधा स्वरूपा अनन्या शर्मा का जन्मदिन भव्य रूप से मनाया गया। बाबा श्याम को फूल माला से सजाया, झूम झूम के नाचे श्रद्धालु। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिला, पुरुष, बच्चे बड़ी संख्या में बाबा की भक्ति में लीन हुए। दिल्ली से आए सुप्रसिद्ध भजन गायक उज्जवल सिंह, गुलाब सिंह बरसे केसला, कृष्ण प्रिया नागपुर और सिद्धि तिवारी कीर्तन की प्रस्तुति दी। दिल्ली के सुप्रसिद्ध बाबा साहब के कीर्तन करने वाले उज्जवल सिंह से हम चर्चा करेंगे। उज्जवल सिंह जी, आप बाबा श्याम के जो कीर्तन करते हैं, तो आप कहाँ कहाँ कर चुके हैं अभी तक कीर्तन? सभी को पहले मेरी जय श्री श्याम। और ये प्रेरणा ऐसा नहीं कि मैं बचपन से कुछ सीखा या कलाकार हूँ, क्योंकि बाबा के दरबार में तो बाबा से बड़ा कोई कलाकार ही नहीं हो सकता। सर्वप्रथम उनके चरणों में मेरा नमन है। और ये प्रेरणा मेरे को 1997-95 में पहली बार जब मैं दिल्ली का, हमारा अपना एक मंदिर है, एक संस्था है, मेरी अपनी मातृ संस्था श्री सुंदरकांड मित्र मंडल, जो कई वर्षों से दिल्ली में जो आयाम सुंदरकांड का शुरू हुआ, वो श्री सुंदरकांड मित्र मंडल के माध्यम से शुरू हुआ जमुना पार में। उस संस्था के साथ मेरा सौभाग्य हुआ, प्राप्त हुआ मुझे जुड़ने का। मुझे श्री नारायण जी सोनी, जो श्री डूंगरगढ़ राजस्थान के निवासी हैं, उन्होंने जोड़ा। मेरे पिताजी के बहुत अभिन्न मित्र हैं, पूरे परिवार को उन्होंने उस मंदिर से जोड़ा। वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली सुंदरकांड करने की, जो पहली बार मैंने 97 में माइक पकड़ा था और सुंदरकांड बाबा की सेवा करनी शुरू की। हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि पूरे भारतवर्ष में हमने घूम घूम के सुंदरकांड पाठ की सेवा दी। उसके बाद श्री सुंदरकांड मित्र मंडल के ही एक सदस्य श्रीमान इंदू जी डागा, जो बड़ा प्रेम करते थे मुझसे और वो आज भी करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, मैं उन्हें प्रेम से मामा जी कहता हूँ, उनकी प्रेरणा मिली। उन्होंने मुझे पुश किया, उन्होंने मुझे काफ़ी मेरे साथ में प्रेशर डाला कि आप खाटू आओ, आप खाटू आओ, एक बार आप खाटू चलो, और खाटू में हमारी गौशाला है, उसमें सेवा दो। तो मैं भी खाटू तो मैं जाता था, पर कभी कभी बाबा के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता था। पर एक लगन भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति, उस परमपिता परमेश्वर के प्रति जो एक मन में आस्था थी, वो मेरी मात्र, जो बोलते हैं कि माँ से ही मिलती है, तो मेरे घर में मेरी माँ बहुत पूजा करते थे देवी माता की, और उन पर कृपा भी थी देवी माता की, माता रानी की कृपा से उन्होंने हमारे पूरे परिवार को बांध के रखा। और सनातन धर्म, हिंदू धर्म क्या है, इसके बारे में उन्होंने हमें बहुत अच्छी शिक्षा दी। ये उन्हीं के संस्कार है कि आज जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, जो कुछ कर पा रहा हूँ, ये उन्हीं के संस्कार हैं कि उनकी वजह से मैं कर पा रहा हूँ। और माँ ही एक ऐसी शक्ति होती है कि जिससे जो प्रेरणा, जो शिक्षा होती है, पहली गुरु हमारी माँ ही होती है। उसके बाद हम जीवन में जाके दूसरा गुरु अपने विद्यालय में जाके पाते हैं, फिर भगवान के प्रति आस्था होती है, तो फिर हमारा खुद का निजी सदगुरु भी हमने बनाए हैं, डॉक्टर उमाटे साहब हमारे गुरु हैं। तो ये ऐसी प्रेरणा मुझे मिलती चली गई। फिर मैं खाटू गया, खाटू में श्री श्याम बाबा गौशाला के सभी विशेष, उसमें श्री रमेश जी राठी, श्री नंदू जी डागा, विष्णु जी गोइंका, सुनील जी केड़िया और ना जाने मेरे कितने साथी उस गौशाला में मेरा इंतजार कर रहे थे कि उज्जवल भाई आएंगे और भजन गवाएंगे उनसे। वो पहली ऐसी फागण की वो दसवीं की रात थी जो हमने बाबा की कीर्तन वहाँ किया, और जैसा हमसे बन पड़ा हमने अपने। ठीक है उज्जवल सिंह जी, आप हमें पता है कि बाबा का चमत्कार क्या है, बाबा से इतने लोग क्यों जुड़ रहे हैं इस कलयुग में? ये बात एक लाइन में अगर बोलनी हो तो बड़ा शॉर्ट में ये बोलना चाहता हूँ कि रामायण भी रचित एक पंक्ति आती है, एक श्लोक आता है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा।
जिसको राम के नाम का, अब राम और श्याम बाबा एक ही है क्योंकि वो अवतार विष्णु के ही हैं, तो उनको नाम भी हमारे कृष्ण जी महाराज ने उनको नाम दिया है अपना, आपको यह पता ही होगा। और मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कहूँगा कि चमत्कार को ही नमस्कार होता है, ये कलयुग का सिद्धांत है। और कलयुग में जिसको राम और नाम श्याम के नाम का आधार है, वो सारा जीवन उसका साथ सत्कार सत्कर्म में लगता है। जो मैं इसीलिए वो बात बताना चाह रहा हूँ, मैं जब गया खाटू श्याम बाबा गौशाला में, मैंने गाया उस रात का, कीर्तन किया, उसके बाद में 8 महीने तक मैं धर्मशालाओं में घूमता रहा, मुझे कहीं गाने का नंबर नहीं मिलता था, मैं बैठता था बाबा का भजन कीर्तन सुनता था और घर वापस आ जाता था। ये चमत्कार की बात जो आपने कही, तो मैं 8 महीने बाद मैंने बाबा से अर्जी लगाई, मेरी बिटिया है छोटी, उसने मुझे कहा कि बाबा एक बार जय श्री श्याम बोल के पकड़ो, और उस दिन से ही मेरे पगड़ी सर पे मैंने लगानी शुरू की, मेरी बिटिया ने मुझे लगा था। तो मैं उसके बाद आज का खाटू है और वो टाइम का खाटू है कि बाबा श्याम के ऐसा चमत्कार और ऐसी कृपा बरसी कि पीछे मुड़ के मैंने नहीं देखा। मैं वहाँ गाने तो गया था, भजन बनने गया था भजन सिंगर, लेकिन बाबा ने ऐसी सेवा दे दी कि वहाँ सेवक परिवार जो है अपना खाटू मंदिर के निज पुजारी श्री पृथ्वी सिंह जी चौहान के घर पर मुझे सेवा देने का मौका मिला, और अन्य अन्य धर्मशालाओं में भी मैं वहाँ जाकर सेवा देता हूँ, तो मैं कलाकारों का नंबर लगाता हूँ, इससे बड़ा चमत्कार क्या। अच्छा, शिवनी मालवा में आप आते, अनन्या शर्मा जो राधा स्वरूप अनन्या शर्मा है, उनके कार्यक्रम में कीर्तन रखा गया था, तो आपने कीर्तन की कुछ पंक्तियाँ आप गाओ। आदरणीय पप्पू बेदड़क चाचा जी जो कानपुर निवासी हैं, उनका लिखा हुआ एक भजन उन्होंने मुझे दिया है, मैं वो कुछ लाइनें पंक्ति में आपको सुना देता हूँ। और अनन्या बिटिया जो है वो बहुत ही सुंदर गाती है, और जो अपने मुखार बिंद से नानी बाई का मायरा नरसी का भात वो गाती है, तो उसकी कुछ पंक्ति गाकर कुछ पंक्ति में दूसरे भजन की आपको बताता हूँ। नरसी जी जब चले थे अपनी गाड़ी लेके, टूटी फूटी बैलगाड़ी थी, बूढ़े बीमार बैल थे, उन बैलों को लेके वो अपना एक तंबूरा लेके मजीरे लेके जब कीर्तन करते जा रहे थे, तो उनकी गाड़ी एक गड्ढे में फंस जाती है। अब बूढ़े बीमार बैल हैं तो वो गाड़ी कैसे खींचे, तो नरसी जी भी इस भजन को जब गा रहे थे कि गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, तो इतने में उन्होंने आवाज़ लगाई, ये प्रसंग बता रहा हूँ कि कान्हा जल्दी आना, तो एक सजीला हटीला नौजवान सांवले से रंग का आकर खड़ा हो गया और बोला बाबा आपकी गाड़ी मैं गड्ढे से निकाल देता हूँ, मुझे भी अंजार शहर जाना है, मुझे भी छोड़ देना। वो कह रहे मेरे पास देने के लिए तो कुछ नहीं है, कह रहे आप एक भजन जो गा रहे थे वो भजन सुना देना, अपना रास्ता भी कट जाएगा और मेरी जो दक्षिणा है वो भी मुझे मिल जाएगी। तो उन्होंने जब हाथ फेरा तो बैल भी बहुत अच्छे हो गए, गाड़ी का पहिया को हाथ लगाया तो वो भी अच्छी हो गई, गड्ढे से निकल गई और सरपट दौड़ने लगी। उस समय ये भजन नरसी जी गा रहे थे, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरो काम जाने। बहुत अच्छा शानदार उज्ज्वल सिंह जी। अब आप हमें एक बात और बताइए कि इतनी बड़ी आप उपलब्धि, इतने बाबा के शाम के कीर्तन करते हो, इसमें आप अपना गुरु किसे माने? देखो मैंने एक बात बोला, श्याम बाबा से बड़ा तो इस जगत में कोई है ही। मैंने पहले बताया मेरी पहली गुरु मेरी माँ है, जिससे मुझे प्रेरणा मिली, और माँ ही इस संसार में ऐसी गुरु होती है जो अच्छा, और माँ तो सबका ही अच्छा करती है, क्योंकि हम आरती में भी गाते हैं कि पूत का पूत सुने है परना माता सुनी को माता, माँ ही सबसे बड़ी गुरु होती है। और मैं श्याम बाबा के दरबार गया हूँ तो श्री श्याम बाबा गौशाला की देन है, मेरी गुरु गौ माता है, उसकी प्रेरणा से मैं श्याम बाबा गौशाला की प्रेरणा से ही उस गौ माता की कृपा से ही गा रहा हूँ आज। और आज भी मेरा जो नियम है वो यही है, अगर मैं खाटू जाता हूँ तो सबको मैं गौशाला से जरूर जोड़ने की प्रयास करता हूँ, क्यों जिस पे कृपा माँ की हो जाएगी ना उस पे सबकी कृपा हो जाएगी, और वो चाहे खुद की माँ हो चाहे गौ माता हो, और गौ माता तो ऐसी माँ है जिन्हें 33 करोड़ देवी देवता समा देते हैं। तो मैं सबको ये कहता हूँ कि गौ वंश की रक्षा करें, गौ माता से प्रेम करें, गौ ग्रास की सेवा दें, गौशालाओं में जाना शुरू करें, अपने छोटे छोटे बच्चों को जो हम सिर्फ मोबाइल और टीवी में जिनको हमने बिल्कुल तरीके से खो दिया है, उनको दोबारा से अपने संस्कारों में लाएं, सनातन धर्म से जोड़ें। श्याम बाबा क्या है, राम जी क्या है, गौ माता क्या है, हमारी घर के परिवार के सदस्य क्या हैं। मेरा ये आपकी चैनल के राजधानी चैनल के माध्यम से सभी से निवेदन है कि सभी अपने छोटे छोटे बच्चों में ये संस्कार डालें कि हमें ये टीवी वेस्टर्न कल्चर को छोड़ के अपनी भारतीय संस्कृति
जो बड़ी ही अनुपम अनूठी है, जिसमें सारी कलाएं, सारे संस्कार विद्यमान हैं, मौजूद हैं इस वातावरण, इस वायुमंडल में, उसको पुनः प्रयास करके अपन राम और श्याम के साथ जुड़ेंगे। जिस दिन ये खिलौनों में राम और श्याम आ जाएंगे, उस दिन इस भारतवर्ष को भारतवर्ष कहने में बहुत आनंद आएगा। ये हिंदुस्तान है, ये सनातन धर्मी हिंदुस्तान, ये भारतवर्ष, क्योंकि हमारे जो राजा भरत हुए थे वो भी बचपन में शेरों के दांत गिना करते, तो आज भी वही गौरव हमारा है, वही इतिहास है, वही सोने की चिड़िया है, सब कुछ वही है। सिर्फ हवा का बदलाव हुआ है, बाकी कुछ नहीं बदला। संस्कारित करें, बाबा श्याम के प्रति सच्ची आस्था रहे, और जो एक बार खाटू जाता है वो घर आता है वहाँ अरदास लेके, और घर बाद में पहुँचता है मेरा श्याम, उसको पहले उसके घर आने के बाद में उसका काम पूरा कर देता है। ये एक श्याम प्रेमी का विश्वास है। आप भी जाएं, सबको लेके जाएं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। ठीक है, अब वो काटा तिपनी मालवा से के यदुवंशी की रिपोर्ट। राजधानी व्यू, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज, राजधानी व्यू।